हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू आई वेलकम यू ऑल इन दिस डिस्कशन सेशन, काजल, टीचिंग एक्सक्लूसिव, विक्रम अर्चित अमित मनोज अनूप राहुल शिवानी रामनंदन सोनिया सभी का स्वागत है वेलकम है आप एक बार कंफर्म कर दीजिए इज एवरीथिंग ऑल राइट प्रणाम मनीष शिवानी कमेंट सेक्शन में सब कुछ ठीक ठाक चलिए सो विद योर परमिशन लेट्स गेट स्टार्टेड और आज मंडे के सेशन से जैसे मैंने वादा किया था कि कुछ नया आपको मिलेगा और वो कुछ नया क्या है कि अब हम द हिंदू के साथ साथ स्पीकिंग ट्री को भी डेली बेसिस पे कवर करेंगे इसके लिए वीकेंड का इंतज़ार नहीं करेंगे दो रिटोरियल्स हम पढ़ेंगे और इसके पीछे का पर्पस यही है कि फिलॉसफी बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे लोगों को परेशान करते हैं उन्हें आसानी से समझ में नहीं आता कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये एग्जाम्स में भी देखते हैं वेदर इट इज एस एस सी एग्जाम्स और बैंकिंग एग्जाम्स वहां पर भी आपको चाहे आप बात करो क्लोज टेस्ट की या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वहां कई बार जब फिलोस आते हैं हमें या पैराजल्स की फॉर दैट मैटर तो वहां दिक्कत होती है तो रोज दोनों तरह की खुराक हमें मिलती रहेगी सो आइए आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड सॉप्स फॉर वोट्स ऑन इलेक्शन प्रोमिस एसओपीएस सॉफ्टवर्ड आपने सुना होगा जब आप कोई काम किसी को अपीस करने के लिए खुश करने के लिए करते हो और खास तौर से उस समय जब जो वो चाह रहा है आप वो नहीं कर रहे आ, उसको मीठी गोली देने की कोशिश कर रहे हो तो चुनाव के समय में जो मीठी गोलियां दी जाती हैं उनको रेफर करते हुए है क्लीन एंड क्लियर ऑन अ ट्विटर विसिल ब्लोअर एंड द इंडियन गवर्नमेंट बोध गवर्नमेंट एंड ट्विटर नीड टू रीअश्योर द पब्लिक दैट देंसटिव यूजर डेटा वर नॉट कॉम्प्रोमाइज इसको लेकर के बार बार ये डिबेट उठती है खासतौर से जो हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं हमारी इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहां हमारे डेटा की प्रिवेसी को लेकर के सवाल उठते रहते हैं तो उसको लेकर के आपके पास है ये रिटोरियल आइए वो कैब से शुरुआत करते हैं जिन वो कैब का जिक्र इस रिटोरियल में हुआ है पहला शब्द है आपके पास सॉप वही जो कि हेडिंग में था हमारे पास समथिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस आर वैल्यू दैट इज ऑफर टू स्टॉप कंप्लेन आर अनहैप्पीनेस यानी सामने वाला अगर अनहैपीनेस शो कर रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ जी मेरी ये डिमांड है वो डिमांड है तो आप जो उसको लॉलीपॉप पकड़ाते हो उसी को हम क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड सॉप्स क्रिटिक्स सी इंक्रीज इन डिफेंस स्पेंडिंग एज ए सॉप टू द आर्म फोर्सेस राधर देन एन इम्प्रूवमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फ्रीबी या एनडोमेंट प्रीबीज का खूब आजकल आप जिक्र सुन रहे हैं पर्सपेक्टिव बहुत ही बेसिक सा शब्द स्पेक्ट का मतलब देखना होता है नजरिया मार्क्सिस्ट पर जो पोजिशन जर्मनीजेक्टिव ऑन दिचुएशन इन रशिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉशिंगटन वही है आपका क्या स्टैंड पॉइंट है क्या इंस्टांस है क्या व्यू पॉइंट है तो ये बेसिक से शब्द हैं हमारे आसान सा शब्द अगला शब्द है ऑमनी बस ऑमनी का मतलब ही आपको पता है एक है जिसका मतलब एवरी होता है और बहुत सारे शब्द आते हैं खासतौर से ऊपर वाले के लिए जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं लाइक ऑमनी प्रेजेंट ऑमनी पोर्टेंट ऑमनीशियंट राइट तो ऑमनी का मतलब ही जो सबको लेके चले तो ऑमनी बस है इसका मतलब क्या इट्स काइंड ऑफ कलेक्शन अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अ प्रोग्राम कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर पार्ट्स दैट हैव ऑलरेडी बीन ब्रॉडकास्ट सेपरेटलीस एडिशन ऑफ अपरा सोप ऑपरा का मतलब जो हमारे डेली सोपरियसिस्टिंग ऑफ टू और वही है जो कंपोजिट है कॉम्प्रिहेंसिव है बहुत सबका कलेक्शन है वो ऑमनी बस हो गया सबको साथ लेके चल रहा है रेलरी इज वॉट जोकिंग और लाफिंग एट समी वे जब फ्रेंडली तरीके से आप किसी के ऊपर जोक कर रहे हैं सो गुड ह्यूमर टीजिंग जो है so, जो आप मतलब छेड़ तो रहे हो उसको बट अच्छे सेंस में गुड ह्यूमर टीजिंग जो है शी ये इसके सिनोनिमस हो गए वर्ड अगला शब्द है डिस्कोर्स कई सेंस में ये भी यूज होता है और स्पीच और पीस ऑफ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर यूजुअली सीरियस सब्जेक्ट राइट दिस काइंड ऑफ डिस्कोर्स इज गोइंग ऑन डिस्कोर्स को कई बार हम नैरेटिव के सेंस में भी यूज कर लेते हैं राइट right? डिस्कोर्स ऑन एवान द नेचर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ बट ये जो सिनानियम्स लिखे गए हैं यहाँ पे और ये आपके लिए होमवर्क भी हो सकता है मैं डेफिनेटली उन वर्ड्स को डिस्कस करता हूँ जो कि एटोरियल में डिस्कस हुए हैं उनके साथ अगर रूट वर्ड है या कुछ और यूसेज है कुछ जो ध्यान में आ जाता है लेकिन आपका एक काम ये जरूर होना चाहिए होमवर्क के तौर पर अपने तरफ से कि जो सिनोनियम्स दिए गए हैं आप उन पर जरूर थोड़ा काम करें उनको भी डिक्शनरीज में डालें सर्च बॉक्स में डालें उनकी मीनिंग ग्रामेटिकल प्रोफाइल डिफरेंट काइंड ऑफ यूसेज उनको समझने की कोशिश करें क्योंकि तो मैं बार बार कहता हूँ ये ये बात दिमाग में हमारे होनी चाहिए कि इंग्लिश में टू वर्ड्स आर नेवर सेम दे आर सिमिलर सो ऑन वॉट ग्राउंड दे आर डिफरेंट वी नीड टू फाइंड दैट ग्राउंड एक्चुअली तो वो हमें पता करना होता है जैसे अब यहाँ पे शब्द है पार्ली पार्ली वो थोड़ा ओल्ड फैशन वर्ड है आउटडेटेड वर्ड है बट ऐसा नहीं कि डिस्कोर्स का एग्जैक्ट सिनोनिम पार्ले होता है अभी पिछले आपके जस्ट पहले जो मेरा फाउंडेशन बैच है उसमें एक स्टूडेंट ने एक एग्जाम्पल लिखा कि आई एबडिकेटेड वॉचिंग रील्स तो मैंने कहा लग रहा है बालक आपने हिंदी मीनिंग रटी होगी एबडिकेट कहीं से इसका मतलब त्यागना होता है और आप क्लास में इंप्रेशन जमाने के लिए कि मैंने रील्स देखना छोड़ दिया है आप ये कह रहे हो हाँ हाँ हा, सर तो मैं इसीलिए कहता हूँ हिंदी मीनिंग मत रटिए हिंदी मीनिंग में एक वर्ड होगा मैं भी ये सारे वर्ड्स एक वर्ड में लिख के छोड़ सकता हूँ यहाँ पे बट जो डिक्शनरी मीनिंग्स हैं वो यहाँ इसीलिए लिखी जाती हैं कि आपकी आदतों में परिवर्तन हो अब एपडिकेट का वहां पे आप इस्तेमाल नहीं करोगे एपडिकेट जैसे कोई राजा है उसने अपनी राजगद्दी त्याग दी तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कर सकते हो बट त्यागना अगर आपने रट लिया तो आपको लग रहा है कि मैंने तो रील uh, देखना छोड़ दिया त्याग दिया तो मैं वहां भी लगा लूंगा नहीं उसके लिए दस पंद्रह वर्ड है किसी चीज को छोड़ने के लिए कब कहां लगाओगे गिबअप भी छोड़ना है लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में छोड़ना है वो तो कॉन्टेक्स्ट कॉनोटेशन इन सारी चीज़ों की डिग्री राइट ये सब पे ध्यान देना होता है हमें तो जैसे पार्ले जो है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में कन्फेबुलेशन तो ये बिल्कुल बहुत ही पिकुलियर शब्द है थोड़ा डिक्शनरी में देखिएगा कल की क्लास में वैल्यू एडिशन करिएगा मुझे भी अच्छा लगेगा ये थोड़ा साइकोलॉजी साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होने वाला वर्ड है एक जार्गन का भी शब्द है कन्फेबुलेशन तो एक बार थोड़ा सा रिसर्च इस पर जरूर करें अगला शब्द है फैटर्स जानते हैं आप जंजीरें होती हैं जो चीज़ें आपको जकड़ लें वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल हो जाएगा

जंजीरें कन्फाइन कर दिया गया है आपको जैसे किसी कैदी को जेल में उसकी शैल में डाल के आप डीम जो है वो वर्ब है टू आर जस्ट समथिंग इन अ पर्टिकुलर वे द एरिया हैज हैज नाउ नाउ डीम्ड डीम्ड बीन सेफ तो इसका मतलब कि जो एरिया है अब इसको सेफ माना जा रहा है वी विल प्रोवाइड हेल्प फॉर एवर यू डीम इट अप्रोप्रिएट आई थिंक पीछे भी हमने डीम किया था किसी चीज को जज करना उसको एस्टिमेशन करना कंसिडर करना वहीं से आता है ना डीम्ड यूनिवर्सिटी जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा लगभग प्राप्त है well -off, well -off बहुत basically हम, मतलब में में आता है ये बातचीत भी हम use कर रहे होते हैं कि बहुत ही वेल well ऑफ है यानी रिच फैमिली से है खाते पीते लोग हैं फैमिली वॉज वेरी वेल ऑफ अ वेल ऑफ नेबरहुड द सिटी इज वेल ऑफ फॉर पार्कस एंड अफ्लुएंट प्रोस्परस लार्जीज लार्जीज़ का मतलब क्या होता है मेडिकल फाउंडेशन बी बेनिफिशियरी ऑफ द मिलने इसका क्या मतलब है कि जो मिले था उसका जो पैसा है वो किसको मिलेगा मेडिकल फाउंडेशन को मिलेगा और बेनिफिशियरी कौन होता है जिसको फायदा मिले वन वर्ड सब्सटीट्यूशन सम वन हुटिंग दिल बी कॉल्ड बेनिफिशियर एंड सम वन हु प्रोवाइडिंग देनिफिट विल बी कॉल्ड वॉट बेनीफैक्टर तो फायदा पहुंचाने वाला बेनीफैक्टर होता है फायदा जिसको मिल रहा है वो बेनिफिशियर है और पूरा प्रोसेस क्या है वो बेनिफिशियल है ओवर राइड करना ऑफ अ पर्सन हू हैज द नेसेसरी अथॉरिटी टू डिसाइड अगेंस्ट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट प्रीवियस डिसीजन एंड ऑर्डर अ पर्सन एटसेट्रा तो वही है कि भाई ओवर राइड करने का उसको अधिकार है यानी वीटो पावर उसके पास है फाइनल डिसीजन वही लेने वाला है प्रेसिडेंट यूज हिजू टू ओवर राइड द कमिटीज डिसीजन जो कमेटी का डिसीजन था उस डिस ने बदलाव कर लिया तो आसान सा बेसिक था शब्द टू टेक कंट्रोल ओवर समथिंग टू चेंज द वे इट ऑपरेट्स टू ओवर राइड यूर बॉडीज ओन हार्मोन्स यानी आपकी बॉडी के हार्मोन्स के ऊपर वो ओवर राइड करेगी यानी दवा जैसा प्रभाव चाहती है वैसा प्रभाव छोड़ेगी तो ब्रोगेट इन पे भी थोड़ा काम करेंगे आप ठीक है होमवर्क के तौर पर ले लीजिए चलिए आइए डे से शुरुआत करते हैं सोफ फॉर वोट ऑन इलेक्शन प्रोमिस प्रोमिसिंग गिफ्ट इन रन टू पोल्स नॉट वेलफेयर इज द रियल फ्री बी इशू आफ्टर कंसीडरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सपर्ट बॉडी टू एग्जामिन द इशूज रिलेटिंग टू पोलिटिकल पार्टी प्रॉमिसिंग फ्री गुड्स टू वोटर्स इन देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज द सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेड इट्स हैंड एंड रेफर द इश्यू टू अ थ्री जज बेंच आपको याद होगा आई थिंक पीछे भी हमने द हिंदू पेडिटोरियल आया था इस टॉपिक के ऊपर और वो पढ़ा भी था सो so, also referred for deeper consideration is the correctness of an earlier judgment in s subramaniam balaji versus tamil nadu 2013 which ruled that making promises in a manifesto would not amount to a corrupt practice to तो, simple शब्दों में लिखा है इसको हिंदी बताने की जरूरत है इसकी बात समझ आ रही है after considering the अब देखो सब्जेक्ट कहां पे लगा है सुप्रीम कोर्ट के लिए बात लिखी गई है सारी but after considering the formation of an expert body

Which ruled, जो इस जजमेंट इस में क्या कहा गया दैट मेकिंग प्रोमिस इन अ मैनिफेस्टो वुड नॉट अमाउंट टू अ करप्ट इसको हम मैनिफेस्टो uh, में जो आपने वादा किया है चुनाव से पहले उसको हम एक करप्ट प्रैक्टिस के बराबर नहीं मानेंगे द प्रोसीडिंग्स बिफोर अ बेंच हेडेड बाई द नाउ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन बी रमना लास्ट वीक ऑफर्ड क्रूशियल पर्सपेक्टिव ऑन द पोलिटिकल इकोनमी ऑफ वेलफेयरिज्म सोशलिज्म एंड प्री इलेक्शन प्रोमिस ऑफ रीबीज Over the few hearings, the bench moved from vague references. Vague ka matlab kya non-specific ho, vague khatte. Iske ek confusing word aata vogue. something that is in fashion, in prachalan, what we call. So uh, references to freebies to making rational distinctions between welfare schemes and socio-economic concessions on the one hand. एंड पोल टाइम अनाउंसमेंट ऑफ मटीरियल गुड्स एंड आइटम्स एज इंसेंटिव टू ओट ये क्या कह रहा है बेंच मूव फ्रॉम वेग रेफरेंसेज टू फ्री वीज टू मेकिंग रैशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन वेलफेयर स्कीम्स कि भाई आप नॉमिन क्लेचर उसको दें प्रॉपर उसको सेग्रीगेट करें आप किसकी तरफ जा रहे हैं कौन सी चीज फ्री वीज है कौन सा है आपके पास वेलफेयर स्कीम्स है Uh, कौन सी चीज बस उसी समय के लिए उनको प्रभावित करने के लिए आप दे रहे हो कौन सी ऐसी चीज लेके आ रहे हो जो लॉन्ग टर्म में उनको अफेक्ट uh, करने वाली है राइट एंड पोल टाइम अनाउंसमेंट्स ऑफ मटीरियल गुड्स एंड आइटम्स एज इंसेंटिव टू वोट कि भाई आपको ये चीजें मिलेंगी ये सामान मिलेगा जब आप अगर आप वोटिंग करने आते हैं और दूसरी चीज कि भाई उसके अंदर क्या वेलफेयर स्कीम्स हैं क्या सोशियो इकोनॉमिक कंसेशन हैं दिस कैरिटी इट सेल्फ वॉज लैकिंग इन द इनिशियल स्टेजेज Right, ये क्लैरिटी नहीं थी कि भाई सबको आप फ्रीबीज के तौर पे देख रहे हो एज ऑमनी बस टू द फ्रीबीज एंड रेलरी अगेंस्ट पोलिटिकल पार्टीज फॉर देयर अप्रोच टू वेलफेयर डोमिनेटेड द डिस्कोर्स अब देखो रेलरी का क्या सेंस पढ़ा अभी आपने अब वो आप कनेक्ट कर पाओगे तुरंत ही किसका क्या मतलब है अब इस सेंस को आपको अगर इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो क्या समझ में आ रहा है मतलब जनरलाइज कर देते हैं मजाक की चीज बना दी यार, सब मुफ्त में बांट रहे, हैं, कर रहे हैं। तो एक, मतलब वही बात कि को आपने एक ही कैटेगरी में डाल दिया टू प्रीवीज एंड रेलरी अगेंस्ट पोलिटिकल पार्टीज फॉर देर अप्रोच टू वेलफेयर डॉमिनेटेड द कोर्स डिस कोर्स इस पूरी परिचर्चा को इस चीज ने जो है डोमिनेट किया दोस्ट इनलिज बहुत बार बड़े मोदी फ्री बी कल्चर जो कि पंद्रह अगस्त के भाषण में आया द गवर्नमेंट स्टैंड इज नो सरप्राइज राइट उसी लाइन में है जो गवर्नमेंट का स्टैंड रहा है इसको लेकर हाउ एवर द गवर्नमेंट वॉज रिलेक्टेंट टू एग्जामिन द इश्यू थ्रू डिस्कशन अमॉन्ग पोलिटिकल पार्टीज एंड फेवर्ड जुडिशली अपॉइंटेड पैनल तो वही है कि जो सरकार है वो उसने रिलेक्टेंस शो किया कि हम इसको लेकर के पार्लियामेंट में डिस्कशन करने के बजाय उनका क्या था कि भाई इसके ऊपर जुडिशली अपॉइंटेड पैनल जो है वो डिसीजन ले तो उन्होंने उस चीज़ को फेवर किया बट सच अ पैनल मे मे नॉट अचीव मच लेकिन इस तरह का जो पैनल है हो सकता है कि वो ज़्यादा ना इस मामले में अचीव कर पाए

अपील कर सकते हैं एंड अगर चुने जाते हैं तो यूज देयर मैंडेट टू डिस्ट्रीब्यूट फाइनाज एंड रिसोर्स एज दे डीम फिट जैसा उनको सही लगता है उस हिसाब से वो यू नो फाइनेंस को रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू लॉ एंड लेजिसलेटिव अप्रूवल वही वाली बात की भाई कानूनी तरीके से होना चाहिए वो देअर फॉर इट इज नो सरप्राइज दैट द बेंच हैज इंक्लूडेड इन इट्स रेफरेंस क्वेश्चन ऑन द स्कोप ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन इन द मैटर एंड वेदर एनी एनफोर्सिबल ऑर्डर कैन बी पास राइट so therefore it is no surprise that the bench has included in its reference questions on the scope of judicial intervention जैसे अभी आप देखो जो FIFA ने ban लगाया भारतीय football association पे तो वहाँ पे क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन है तो वही सवाल यहाँ पे भी है कि आ, जो स्कोप ऑफ judicial इंटरवेंशन है इन दिस मैटर और क्या कोई enforceable ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं क्या उनके अधिकारों के अंतर्गत आता है ये टू जज बेंच जजमेंट इन ट्वेंटी थर्टीनगामिड इश्यू इन द बैकड्रॉप ऑफ डी एम के कमिंग टू पावर इन टू थाउजेंड सिक्स टू डिस्ट्रीब्यूट से मोबाइल फोन दे दो टेलीविजन सेट्स दे दो लैपटॉप बांट दोस्ट में हुआ था इट रूल दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अलाउ सच स्कीम्स ये कहा गया कि भाई जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत तो उसके अनुसार यह किया गया है और यह पॉलिसीज अलाउ करती इन तरह की स्कीम्स को एंड दैट स्पेंडिंग ऑफ पब्लिक फंड्स ऑन देम कुड नॉट बी क्वेश्चन इफ इट वाज बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएशन पास बाई द लेजिस्लेचर तो अगर ये सारी चीजें कानूनी तरीके से करी जा रही तो फिर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है इट ऑल्सो कंक्लूडेड दैट पोल प्रोमिस प्रैक्टिस इसको हम करप्ट प्रैक्टिस भी नहीं कह सकते that bench had also rejected the argument that giving benefits to everyone that is the poor and the well off would violate the equality norm in article 14 usne is argument ko bhi reject kiya ki giving benefits to everyone chahe wo garib ho chahe wo ameer ho would violate the equality norm in article 14 ये उसका उल्लंघन करेगा जो equality का norm है article 14 के अनुसार. when it came to a state larges it said the rule against treating unequals as equals

दिस टू अवेट्स एग्जामिनेशन चीज भी इस चीज के लिए भी अभी हमें एग्जामिनेशन करना पड़ेगा परीक्षण करना पड़ेगा चले तो ये था आपका पहला टिटोरियल प्री को लेकर के और उसकी आ, जो भी कानूनी पहलू हैं उनके एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अब आइए स्पीकिंग ट्री की तरफ फिलोसफी बेस्ड देखते हैं और ये खासतौर से जो टॉपिक्स आपको यहां पे मिलेंगे वो रिलेटेबल होंगे क्योंकि हमसे जुड़ी हुई हम तो बार हम ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी इस बात का डिस्कशन करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन का क्या मतलब है कि भाई एक टॉपिक के ऊपर जब एक ग्रुप डिस्कस करता है तो मल्टीपल व्यू पॉइंट्स लेके आता है और अगर आप एक जीडी या ग्रुप एक्सरसाइज की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो जो शायर मॉडरेटर है जो एग्जामिनर है वो इस बात को देखने की कोशिश करता है दैट हाउ मेनी डिफरेंट अ पर्टिकुलर ग्रुप राइट थॉट प्रोसेस योर लीडरशिप स्किल्स बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन बी टेस्टेड थ्रू थ्रू दैट जी डी प्रोसेस एक्चुअली तो आइए पढ़ते हैं हाउ आर वी टू थिंक राइटली इट इज इसेंशियल टू लर्न सवाल से ही शुरुआत हो रही है कैसे हम सही सोचें इट इज इसेंशियल टू लर्न हाउ डू थिंग बिकॉज अ पर्सन विदेटिव अप्रोच विल नॉट बी एबल टू रिकोग्नाइज द ट्रूथ दैट कम्स इज वे फॉर फॉर दिल फॉर ही विल रिजेक्ट एवरी थिंग वाइल अ पर्सन विद अ पॉजिटिव अप्रोच विल एक्सेस द ट्रूथ एंड एवेंचुअली फाइंड सोल्यूशन टू हिस्स प्रॉब्लम सो ये अप्रोच की बात कर रहा है कि जैसे जो सिनिकल लोग होते हैं जो हर चीज को लेकर के बड़े नेगेटिव होते हैं विल नॉट बी एबल टू रिकोगग्नाइज द ट्रूथ वो ट्रुथ को रिकोगनाइज नहीं कर पाएंगे दैट कम्स इज वे फॉर ही विल रिजेक्ट एवरीथिंग कि भाई उसको हर जगह नेगेटिविटी नजर आती है कि नहीं ये इसमें भी कुछ गड़बड़ होगा इसमें भी गड़बड़ होगा जबकि एक इंसान जो पॉजिटिव अप्रोच के साथ है उस वो ट्रुथ को एक्सेस करेगा और इमेंचुअली फाइंड सोल्यूशन टू हिस्स प्रॉब्लम सोल्यूशन होते किसके लिए प्रॉब्लम्स को पाने मतलब सोल्यूशन अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा ही होगा वही वाली बात है देर आर टू वेज ऑफ थिंकिंग पॉजिटिव एंड आर टू एंड अस्पेक्ट्रम मोस्ट ऑफ एन वी लाई इन बिटवीन मतलब ऐसे तो नहीं होता कि सिर्फ नेगेटिव या पॉजिटिव है हम इन दोनों के बीच में ही कहीं आते हैं देर आर कॉम्बिनेशन ऑफ द नेगेटिव एंड द पॉजिटिव दैट लाई अलॉन्ग द वे वी आर कंसिडरिंग द एक्सट्रीम पोजिशंस टू मेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर कॉम्बिनेशन इजियर तो वही चीज लिखी कि इन जनरल हम बीच में ही आते हैं There are combinations of the negative and the positive that lie all along the way. We are considering the extreme position to make the understanding of the other combinations easier. Much too often, we indulge in destructive negative thinking, which leads to despair, loss of enthusiasm, depression, dereliction of duty, and proactive action. In short, negative thinking means the beginning of failure in life. The key to success lies in constructive positive thinking. Constructive thinking comes to that person who keeps the mind focused, constantly updating herself, is of pure heart, not the lead by overactive emotions, and practices detachment. or attachment to all is useful to one and all. तो अब देखो पैराग्राफ किस तरीके से शिफ्ट होता है वो भी समझना जरूरी है. This is talking about negatives. This is talking about positives, right? साधारण शब्दों में बात लिखी गई है. But यहाँ थोड़ा समय और इसको deep down लेके जाना चाहूँगा. Uh, हमें यह समझना बहुत ज़रूरी कि थॉट्स आती कहां से हैं बिकॉज हम पॉजिटिव और नेगेटिव की जब बात करते हैं तो ये थोड़ा मोरालिटी से जुड़ा हुआ लगता है कि भाई कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है दीज आर द नेगेटिव थिंग दीज आर द पॉजिटिव थिंग्स यू नो यू शुड थिंक अबाउट पॉजिटिव स्टफ ओनली तो सबसे पहला सवाल ये कि हाउ डू वी क्रिएट थॉट्स आते कहाँ से हैं ये तो थॉट्स की क्रिएशन होती है हमारे बिलीव सिस्टम से बिलीफ सिस्टम बिल्कुल उस कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की तरह है जैसे कि भाई जिस तरह की प्रोग्रामिंग होगी जिस तरह का सॉफ्टवेयर होगा कंप्यूटर उसी तरह के एक्शन जो है वो करने वाला है अपने प्रोग्रामिंग के अनुसार ही काम करेगा वो वैसे ही हम इंसान भी होते हैं हमारी जहाँ पैदाइश है जिस तरह की परवरिश है जैसा एक्सपोजर है जिस तरह का माहौल रहा है वो सारी चीज़ें हमारे बिलीफ सिस्टम को बेस को बनाती हैं ओवर द इयर्स तो हम जो भी कुछ थॉट क्रिएट करते हैं वो उसी प्रोग्रामिंग से निकल के आता है एक छोटा सा एग्जाम्पल लिंगा तो आपको बात यह समझ में आएगी सपोज इफ देर इज अचुएशन ऑफ एग्जाम स्कूल का एग्जाम है सपोज कोई भी एग्जाम है और क्लासरूम में देर आर फिफ्टी स्टूडेंट राइटिंग वन पेपर एवरीथिंग इज सेम फॉर ऑल दो स्टूडेंट ये नो पेपर इज सेम क्लासरूम इज सेम माहौल इज सेम एटमोसफियर इज सेम एवरीथिंग इज सेम बट उसी पेपर को लिखने के बाद एक स्टूडेंट टॉप करेगा और एक फेल करेगा और पूरी क्लास अपने एक भाई जिस तरह की फर्स्ट पोजिशन सेकेंड थर्ड ऐसे बन के चला आएगा शायद जो टॉप किया वो ये कहे कि पेपर बहुत ईजी था और जो फेल किया वो कहे कि नहीं पेपर बहुत मुश्किल था पता नहीं कुछ पढ़ाया नहीं था और वो पेपर में दे दिया पेपर तो पेपर था आप उसको किस तरीके से लेबल कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है कि आप उसको किस तरीके से परसीव करते हैं और जैसे आप किसी चीज को परसीव करते हैं आप उसी तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं तो एक ने कहो कि नहीं उसने तो नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया वो क्यों कर लिया क्योंकि शायद उसकी तैयारी नहीं रही होगी उसने ढंग से पढ़ाई नहीं करी प्रिपरेशन नहीं किया तो वो उस चीज़ को कैसे देखेगा नेगेटिवली देखेगा और यही सिचुएशन इसके लिए पॉजिटिव है सपोज उसका परिणाम आया जब रिजल्ट आता है तो जो सफल हुआ है उसके लिए वही मौसम बहुत अच्छा है और जो नहीं सफल हुआ है उसके लिए वही मौसम जो है वही जो समा है आसपास का जो लोग हैं उसको उसमें कोई आनंद नहीं आता वो डिप्रेस्ड फील करता है तो एक्चुअली वॉट एवर वी सी अराउंड नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ आवर ओन सेल्फ जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो कुछ और नहीं होता वो हमारा ही प्रोजेक्शन होता है और जिस तरह से थॉट्स आपकी होंगी वैसी फीलिंग्स होंगी आया ना तभी तो एग्जाम्स के इंटरव्यूज के टाइम पे आप देखोगी आप एक तरह का थॉट क्रिएट करने लग जाते हो कि पता नहीं क्या पूछेंगे पैनल में जो लोग बैठे हैं पता नहीं मेरी तैयारी है कि नहीं मैंने तो दस में से छः चैप्टर ही करके आया हूं जो चार नहीं करके आया कहीं वहां से सवाल ना पूछ लें अभी न तो आप इंटरव्यू वाले रूम में गए हो आप बाहर बैठे बैठे ये थॉट्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं और ये करने के दौरान ही आपकी फिजिटिंग शुरू हो जाती है सांस बढ़ जाती है हैं चेहरे का रंग बदल जाता है कानों में गर्माहट आ जाती है गाल लाल होने लगते हैं और जब हम एंटर कर रहे होते हैं रूम में मैं आई सर इतना बोलने में भी आवाज में कंपन होती है किसी ने आपके साथ कुछ नहीं किया हमने खुद किया होता उस समय। वही बात मैंने कही कह, क्या? कि आप जिस तरह की बेहोश हो सकते हो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है बैठे बैठे और वहीं आप खुद वही तरह की थॉट क्रिएट करके अपने लिए आप बहुत खुश भी हो सकते हैं प्रसन्न हो सकते हैं आनंदमयी रूप में हो सकते हैं भले ही जो आसपास परिस्थितियां वो बड़ी विपरीत हो बट आप बड़े प्रसन्न हैं तो यह कहां से हो रहा है यहां पर तो यह बात हमें समझ में आ रही कि वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन थॉट अपने थॉट्स के क्रिएटर हम खुद होते हैं हमें यह गलत फहमी होती कि हमने उनकी वजह से ऐसा सोचा कोई किसी की वजह से नहीं सोचता अगर बाहर वाला रिस्पॉन्सिबल होता तो सब एक तरह से सोचते फिर तो पेपर सबके लिए सेम था उन पचासों स्टूडेंट्स के लिए फॉर ऑल दो पेपर वॉज सेम एवरी वन शुड थिंक इन द सेम ऑर्डर बट दैट है तो दिया गया उनको. सब एक ही प्रक्रिया से गुजर के उस पढ़ाओ तक पहुंचे हैं। लेकिन सब थोड़ी एक तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे आप ऐसे लिखते हो लेटर राइटिंग करते हो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग होती है वो किस लिए होती है वो इसी आस्पेक्ट को जज करने के लिए होती है कि भाई ये इंसान कैसा है इसकी सब्जेक्टिविटी कैसी है इस टॉपिक को किस तरीके से देखता है राइट right, इसके पास मल्टी आस्पेक्चुअल व्यू पॉइंट है कि नहीं है या ये सिर्फ एक आस्पेक्ट को लेकर के बहुत जकड़ा हुआ है यही सारी चीजें चेक होती हैं। खैर, में बड़ी सारी चर्चाएं ऐसी होंगी जो आपके काम की होंगी कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग बाय बाईविच वी कैन आइडेंटिफाई दम द फर्स्ट स्टेप इज टू एग्जामिन पार्शल और होल वेदर इट इज इंटीग्रेटेड और फ्रेगमेंटेड बिकॉज अ पर्सन विद होलिस्टिक विजन कैन थिंक कंस्ट्रक्टिवली एंड विल गेट बैलेंस एंड कॉम्प्रेंसिव पर्सपेक्टिव बट पर्सन विद पार्शियल स्ट्रेट तो पहली चीज तो ये हो गया कि वो चीज इंटीग्रेटेड है एक साथ है या फ्रेगमेंटेड है फ्रेगमेंटेड में फ्रैग रूट वर्ड आता है जिसका मतलब ब्रेक होता है क्योंकि तो एक इंसान जिसका होलिस्टिक विजन होगा वो कंस्ट्रक्टिवली सोचता है उसके पास एक बैलेंस्ड एंड कॉम्प्रेहेंसिव पर्स्पेक्टिव होगा लेकिन जिसके पास पार्शियल विजन है वो टोटेलिटी में चीजों को नहीं देख पाता

नहीं तो हम कोई ए देख रहा है कोई बी दिख रहा है और ए और बी में टसल है कि मैं तुमसे सही हूं तुम गलत हो राइट right? वो अलग अलग तरह तो के पर्सपेक्टिव नहीं देख पा रहे हैं उसमें इट इज बिकॉज वी हैव हर्ड आर रेड आर स्टोरी वी कीप गेटिंग एंटेंगल्ड इन द इन प्रॉब्लम्स वही है कि हम मतलब आप देखोगे ना तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगभग मोर और लेस वही है प्रॉब्लम उसमें कोई नई बात नहीं आ जाती है जो हमारे जो प्रॉब्लम्स का जो लेवल है या सपनों का लेवल है या जो असफलताओं का लेवल है या जिसको हम जिंदगी में बहुत बड़े लक्ष्य मानते हैं वो मोर ले सिमिलर ही उसमें कोई बड़ी दिक्कत लेकिन वही बात कि हम उसमें कॉम्प्रहेंसिवली नहीं देख पा रहे कि हम लिटरली uh, क्या चाह रहे हैं क्या चाह जाना चाहिए जो लिटरली चाह रहा हूँ वो चाहने लायक भी है कि नहीं है राइट right? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोग्रामिंग कर दी गई कि जिंदगी के यही लक्ष्य बहुत बड़े हैं और शायद उन लक्ष्यों का उतना मूल्य भी ना हो तो वही बात कि अगर जो मैंने कहा था शुरू में बिलीव सिस्टम एक खास तरह की अगर प्रोग्रामिंग डाल दी गई और आपने अपने ऊपर उतनी मेहनत नहीं करी क्योंकि हमारा कंट्रोल तो इस पर है नहीं कि हम कहाँ पैदा होते हैं कहाँ परवरिश होती है कौन सा समाज है तो एक समय तक शायद आपका कंट्रोल नहीं है उस चीज़ों के ऊपर लेकिन जब आप बड़े होते हैं उम्र बढ़ती है तो हमें खुद समझ में आ रहा होता है कि यार अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिंदगी के जो आउटपुट्स मेरे निकल रहे हैं आउटकम्स हैं आउटपुट से बेहतर आउटकम्स शब्द होगा यहाँ पे जो आउटकम्स हैं चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है करियर को लेकर के है पढ़ाई लिखाई को ले कर लेकर के है या स्टेट ऑफ माइंड को लेकर के है मेरे आ, सब कुछ होते हुए भी अंदर एक बेचैनी परेशानी अधूरापन का एहसास ये बना ही क्यों रहता है जबकि मैं बार बार वो जो लिखी हुई स्क्रिप्ट है वो सारे चरण पूरा भी कर रहा हूँ बट फिर भी कुछ अंदर है जो बड़ा कचोट रहा होता है और फिर उसको हम कहीं ना कहीं से पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं शायद शॉपिंग करके अंदर का वो अधूरापन दूर हो जाए या ये वाली गाड़ी खरीद के ये वाला घर खरीद के ये you नो know? लेकिन वो तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा जो जिस लेवल पे और आगे बढ़ रहा बट वो अधूरापन नहीं ख़त्म होता दुनिया के जब हम फिगर्स देखते हैं मेंटल डिजीजेस की बात करते हैं यहाँ थाट प्रोसेस थिंकिंग की बात हो रही है तो आप देखोगे जो खासतौर से जो शायद ज़्यादा सो कॉल्ड वेल ऑफ सोसाइटीज़ हैं वहां पर मानसिक समस्याएं मानसिक रोगों की समस्याएं ज़्यादा हैं लोग तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि शायद अगर मन में ये हो नहीं धन कमा करके या चीजें इकट्ठा करके यू नो शायद खुशी मिल जाए तो प्रमाण तो बड़े सारे हैं हमारे पास उसके लिए किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है ऑब्जर्व दिस थिंग एवरीवेयर कि जो सो कॉल्ड सो कॉल्ड रिच लोग हैं जिनके पास बहुत सारे संसाधनों की कहीं कोई कमी नहीं है उनकी जिंदगी में इतना अधूरापन या इतनी समस्याएं या इतनी परेशानियां क्यों है तो इसका मतलब शायद प्रोग्रामिंग में कुछ तो गड़बड़ है और उसका एहसास हमें भी होता है लेकिन वही वाली बात अधूरापन अंदर है और उसको बाहर से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसकी उसी की प्रक्रिया की बात यहां पे हो रही है में से एक पार्ट के बारे में बता दिया गया एंड वी कीप गेटिंग वही होता क्या बोलते हैं उसको वो जैसे तुम्हारा uh, घुमावदार रास्ते you know, जहां पे तुम्हें पता ही नहीं लगे कि कहां से बाहर निकलना है तो ले दे करके सब उन्हीं चक्करों में घूम पड़ रहे हैं उन्हीं वही परेशानियां हैं उनकी क्योंकि पूरी स्टोरी वो नहीं देख पाते वंस अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स हाल्टेड फॉर रेस्ट अब थोड़ा स्टोरी के साथ बता रहे हैं वंस अ ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स हाल्टेड फॉर रेस्ट अंडर द कूल शेड ऑफ अ मैंगो ट्री वन ऑफ दॉन्ग आवर वे आई सॉ रेड लिजर्ड ऑन अ ट्री एन अदर फेप नो इट वॉज ग्रीन आई सॉ इट टू सून द डिस्कशन टर्न इन टू एन आर्ग्यूमेंट टिल इट लुक लाइक दे वुड कम टू ब्लोज वन अ थर्ड वन सेट आर यू टॉकिंग अबाउट द केमेलियन i too saw it it changes color so both of you are right वही वाली बात है कि एक ने कहा इस रंग की है किस रंग की थी भाई पहले वाले को कहा कि रेड थी छिपकली और दूसरे वाले ने कहा ग्रीन थी और तीसरे वाले ने कहा कि नहीं वो छिपकली नहीं थी वो गिरगिट थी जो अपना रंग बदलती है तुम दोनों सही हो नहीं तो ये रेड और ग्रीन वाले आपस में लड़ने को तैयार हो गए थे यही है हमारी जिंदगी इसी की बात हो रही है न्यूज़ में आता है कि नहीं रोड रेस पे गाड़ी टच हो गई और मुक्का मार दिया या मार दिया या गोली मार दी बवाल हो गया ये है मतलब अगर आप उसकी गहराई में जाओगे तो उसमें कुछ नहीं है लेकिन उस पर बड़ी चर्चाएं होंगी और तोड़फोड़ हो जाएगी वही चीज लिखेगी मतलब दे वुड कम टू ब्लोज मैन अ थर्ड वन सेड आर यू टॉकिंग अबाउट द कमेलियन द वर्ल्ड विल लिव इन इज मच लाइक अ कमिलियन ये रंग बदलता है एवरीथिंग हियर चेंजेस फ्रॉम मिनट टू मिनट इंक्लूडिंग आर क्या हम नहीं बदलते हम भी रिलेशनशिप में बोलते हैं वो तो बदल गया तुम तो ऐसे नहीं थे क्यों बदलेगा नहीं डेड है क्या मुर्दा चीज नहीं बदलती अगर तुम जिंदा हो तो बदलाव तो बदलाव जैसे जो माइक्रोस्कोपिक लेवल चेंजेस है वो तो बॉडी में लगातार हो रहे हैं इतनी सारी सेल्स मर रही इतनी सारी सेल्स नहीं पैदा हो रही होंगी लेकिन इंसान के तौर पर भी तो शायद आप दस साल पहले जो आपकी समझ थी चीजों को देखने का जो पर्सपेक्टिव था जो नजरिया था वो तो दस साल में बेहतर होगा ना हम कूप मंडूक तो है नहीं जितना जितना ही उसका संसार है। तो बदलाव तो लगातार है राइट right? uh, इसीलिए कहते हैं कि बदलाव जो है वही है बदलाव यानी लगातार होता रहेगा हर चीज बदलती है मिनट टू मिनट इंक्लूडिंग आर सेल्फ हाउ मेनी डिफरेंट पर्सन अटर इन डे वही uh, कहते हैं कि वी 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 हम बहुत तरह के कैप अब आप किसी के भाई होंगे बहन होंगे बेटा बेटी फ्रेंड पार्टनर दोस्त लवर बहुत सारे रोल है ना ऑफिस में काम कर रहे हो यू कुड बी अ बॉस यू कुड बी अ वर्कर जो भी है तो मल्टीपल रोल्स हम प्ले करते हैं काम इन द मॉर्निंग हरी ड्यूरिंग द डे सुबह शांत हो दिन के टाइम में बहुत जल्द में जल्दबाजी में हो स्ट्रेट स्ट्रेस एट टाइम्स बहुत बार तनावपूर्ण परिस्थितियां होंगी कई बार हंस भी रहे होंगे कई बार गुस्से में भी आ जाओगे इन इनकेजनली एंड सो ऑन तो मतलब इन अ कोर्स ऑफ अ डे हमारे अंदर ही कितने तरह के बदलाव होते हैं इवन इन दाइट राइज एंड फॉल ओनली ट्वाइस इन अ डे व मॉर्निंग राइट इन आवर डे हाउ एवर थॉट चेंज अ मिलियन टाइम्स इन अ डे कह रहा समुद्र में भी एक बार ज्वार भाटा आता है लेकिन हमारे दिन में तो पता नहीं कितनी बार आता मिलियन टाइम्स इन अ डे एक्जूबरेंट कभी बड़ी खुशी होगी आपको समय इज देर इज कंटिन्यूबल राइज इन फॉल नो कॉन्स्टेंसी नो स्टेबिलिटी सम टाइम पासपीरियंस है जैसे कई बार होता है कि पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा तो हम उस पर लेबल कर देते हैं नहीं यार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ आ, मैं तो वो चीज़ नहीं करूंगा या मैं उनसे बात नहीं कर सकता मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गेट एंगेज तो ये सारी चीजें कि भाई पास्ट से आप गवर्न हो रहे होते हैं पास्ट जो है वहां से हमारा एक्शन निकल के आ रहा होता है सो वन मे रिक्वायर नोइंग अ लिटिल अबाउट द टू टू बी एबल अंडरस्टैंड हिम कंप्लीटली कई बार उसकी भी जरूरत होती है हम उस इंसान को उस समय के आधार पर जज करना शुरू कर देते हैं हमें उसकी पास्ट की स्टोरी नहीं पता कि किस पेन से या किस प्रोसेस से वो गुजरा है सभी का पास्ट है सभी इंसानों का पास्ट है भाई अलग तो हमारा जजमेंट कई बार उनके अब हम ये नहीं सोच पाते कनेक्ट नहीं कर पाते कि अगर ये प्रेजेंट है तो उसके पीछे क्या पास्ट की पॉसिबिलिटी हो सकती है तो शायद जो एक गुस्से का भाव है या इरिटेशन है आप जब सच्चाई जाने तो उसमें बदलाव हो सकता है लेकिन हम बहुत एडमेंट uh, हो जाते हैं कि नहीं नहीं वॉट आई एम थिंकिंगली करेक्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज वी डोंट कम्युनिकेट वी डोंट टॉक वी जस्ट अज्यूम एंड इवन uh, ये जोक्यूलर फॉर्म में थोड़ा सा कि जब आप एज्यूम करते हो तो यू आर एक्चुअली मेकिंग एस ऑफ यू एंड मी तो दोनों बेवकूफी वाला काम कर रहे हो तो हम कई बार चुप हो जाते हैं बात नहीं करते और एज्यूम कर लेते हैं कि उसने ऐसा किया होगा तो ये होगा वो होगा क्योंकि तो हो सकती कहानी बिल्कुल ही कुछ उलट हो बीच के बड़े सारे लिंक्स आपने मिस कर दिए टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट द डिफरेंट फेसिस सेम पर्सन इज टू हैलिस्टिक विजन अगर आपको समझना है अंडरस्टैंड करना है एंड एक्सेप्ट द डिफरेंट फेसिज ऑफ द सेम पर्सन इज टू हैव होलिस्टिक विजन ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक हॉलिस्टिक विजन हो राइट अ ब्रिज फ्रॉम अनवील योर ग्रेटनेस तो वहां से ये उठाया गया है चले सो आई होप समझ आया होगा आपको फाइंड आउट वन आउट आइए क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर्स्पेक्टिव स्टैंड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू डायरामा एंड रेलरी किसको अलग करोगे वेरी गुड तो भाई ये सब तो तीनों शब्द बहुत ही आसान है पर्सपेक्टिव स्टैंड पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है आपके लिए एक नया शब्द हो लेकिन इसका भी ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग शब्द है इस पर भी थोड़ा रिसर्च करिएगा क्लास के बाद आ, जैसे कई बार आप छोटे सैम्पल्स रखते हो ना आप जैसे बात करो म्यूजियम्स की तो अलग अलग प्रोफाइल्स में लेफ्ट राइट तो पर्सपेक्टिव तो डायरेक्ट इसका मतलब नहीं है बट अलग कॉन्टेक्स्ट में कि आप किस प्रोफाइल से उसको देख रहे हो क्या पर्सपेक्टिव है कई बार जो वो क्लाइडोस्कोप करते हैं कलरफुल पिक्चर निकालते हैं किसी चीज की उसके कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होता है तो रेलरी आपने देखा है इसका बिल्कुल अलग मतलब है ऑफ पर्सपेक्टिव स्टैंड पॉइंट एंड इसका सिननीम आपको बताना है पर्सपेक्टिव का तो आई थिंक इट्स प्रेटी इजी दैट इज स्टैंड पॉइंट इन डिफरेंस का क्या मतलब होता है भाई जहां आपको फर्क ही ना पड़े जिसको हम कहते हैं एपथी एपथी कैलस ही बड़ा प्यारा शब्द है जहां बड़ा कैलस बिहेवियर है कैजुअल बिहेवियर है इसके साथ एक कंफ्यूजिंग वर्ड जुड़ा हुआ है सी ए डबल एल यू एस कैलस कैलस क्या होता है हार्ड एंड पार्ट ऑफ अवर टिश्यू और स्किन जैसे ये जो हिस्से हैं ना जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं यहां पे हार्ड हो जाता है बिल्कुल या पैरों के सोल आप देखोगे तो वो हार्ड होते हैं डेफिनेटली तो जो हार्ड एंड या थेंड पार्ट है किसी स्किन या टिश्यू का उसको कैलस कहा जाता है डबल एल यूएस

जब आप किसी चीज को सरकम स्क्राइब करते हैं इसका मतलब एक तरह से आउटर घेरा बना रहे हो इनस्क्राइब करते हो तो अंदर लिखना हो जाता है इसी स्क्राइब या स्क्रिप्ट से बड़े सारे शब्द इंस्क्राइब इंस्क्रिप्शन प्रोस्क्राइब प्रोस्क्रिप्शन स्क्रिप्चर मैनोस्क्रिप्ट सरकमस्क्राइब तो बड़े सारे शब्द निकल के आते हैं इन कॉम्प्रेहेंसिव नॉन कॉम्प्रेहेंसिव आप देखिए फर्क जरूर पता करना कि क्या दोनों में डिफरेंस या दोनों इंटरचेंजेबल है और कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्प्रिहेंसिबल में कंफ्यूज मत करना कॉम्प्रिहेंसिबल जिसको समझा जा सके और कॉम्प्रिहेंसिव वो होता है जो ऑल एनकम्पसिंग हो जो अपने अंदर सबको इंक्लूड करे और कॉम्प्रिहेंशन समझ होती है जैसे बहुत सारे लोग मेरे बैच को कॉम्प्रिहेंसिव बैच बोलते वो जो कॉम्प्रिहेंशन स्पेशल बैच आता है जिसकी वी अवेलेबल है आपके करियर वैब पे तो वो वो कैब प्लस कॉम्प्रिहेंशन की वी अब एक साथ दे रहा हूँ तो वो कॉम्प्रिहेंशन बैच होता है जहाँ पे हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैरासिम्बल्स स और क्लोज टेस्ट इन टॉपिक्स पे मास्टरी करते हैं तो वो कॉम्प्रिहेंशन है कॉम्प्रेहेंसिव अलग है कॉम्प्रिहेंशन अलग है कॉम्प्रिहेंसिबल अलग है ये आपका होमवर्क है क्या ये दोनों वर्ड इंटरचेंजल है या नहीं बताना आप एंटनीम ऑफ रेलरी बैंटर फ्लैटरी प्लेजेंट्री एंड जेस्टिंग क्या लग रहा है इसमें किसके साथ जाओगे आप इसमें से कौन सा शब्द एंटनीम है हाँ जी वेरी गुड बी करेक्ट ऑप्शन है फ्लैटरी करना चापलूसी करना होता है राइट right, एक बड़ा प्यारा शब्द है साइकोफेंट साइकोफेंसी पैंट हो गया वो इंसान जो चापलूसी करे बाकी बैंटर प्लेजेंट्री जेस्टिंग इस सभी का मतलब हंसी मजाक के साथ ही जुड़ा हुआ है मैच द फॉलोइंग हां जी प्रॉट और डील शेड स्ल्यू पैरामाउंट इसके ऑप्शन भी देने चाहिए क्या मैं ही रोज कर देता हूँ कनेक्ट चलो कमेंट सेक्शन में आप बना करके बताना कि भाई किसके साथ कौन सा वर्ड जा रहा है ये पीछे के जो हमारे वर्ड्स हैं उनका रिवीजन होता है ठीक है पैरामाउंट टी के साथ वन नज़र आ गया सबको चलो ग्रेट और क्या नजर आ रहा है चलिए सो दैट्स द होमवर्क फॉर अगेन फॉर यू पीपल और जो पीछे के वर्ड्स का भी दिया है सिनोनिम्स उनके बारे में भी पता करो यूट्यूब पे भी जा रहा है ये तो यूट्यूब पे भी काम है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें क्लास के बाद थोड़ा रिसर्च करके लिखो आप तो जो आपकी ये इन्वेस्टमेंट है चालीस पचास जो भी मिनट्स हम यहाँ पे खर्च कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर पाएंगे ठीक है और यही चीज़ें यही शब्द घूम फिर के आपको मिलते हैं तो इनका इसका आंसर भी लिखना और बाकी के जो सिनोनिमस वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको डिस्कशन के समय कहा कि प्लीज़ डू सर्च दीज वर्ड्स इन अ डिटेल्ड मैनर उनके जितने भी यूसेज हैं मीनिंग हैं उनके बारे में भी लिखोगे कॉमेंट सेक्शन में तो मुझे अच्छा लगेगा चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स कैच अप टमोरो कल मिलते हैं और कल से बैंकिंग का नया बैच भी आपके पास उपलब्ध हो जाएगा ठीक है बैंकिंग अचीवर्स बैच जो कि कंप्लीट बैच होता है चलिए थैंक यू थैंक यू एवरीवन